देश में चीन पाकिस्तान से नहीं आएंगे बिजली सप्लाई और नेटवर्क उपकरण, सरकार ने लगाया प्रतिबंध। जापान ने पेश की नई बुलेट ट्रेन N700S, भूकंप के दौरान भी नहीं थमेगी इसकी रफ्तार। भारत में बैन हुई 40 वेबसाइट, राष्ट्र विरोधी गतिविधियों की वजह से लगा प्रतिबंध। इंग्लैंड में भारतीय मूल की डॉक्टर फरजाना हुसैन ने बढ़ाया भारत का मान, कोरोना में सेवा कार्य के लिए इंग्लैंड सरकार ने किया सम्मानित। लॉकडाउन के बाद कार के मुकाबले बाइक और स्कूटर को ज्यादा खरीद रहे हैं लोग, पब्लिक ट्रांसपोर्ट का इस्तेमाल नहीं करने का बन रहा विकल्प। शस्त्र खरीदने का मुकाबला कर रहा पाकिस्तान, चीन से लेगा हमलावर ड्रोन, भारत भी अमेरिका से लेगा सुलेमानी किला। साउथ चाइना में अमेरिका के युद्ध अभ्यास पर भड़का चीन, मिसाइल हमले की दी धमकी। अमेरिकन नेवी ने चीन की धमकियों का उड़ाया मजाक, कहा इसके बावजूद हम यहां डटे। लद्दाख में कदम खींचने को मजबूर हुआ चीन, गलवान घाटी में 2 किलोमीटर पीछे हटे चीनी सैनिक। कट्टरपंथियों के दबाव में आकर पाकिस्तान सरकार ने मंदिर निर्माण पर लगाई रोक, मजहबी गुटों ने बनने वाले पहले कृष्ण मंदिर की नींव को ढहाया। कुवैत में अप्रवासी कोटा बिल को मिली मंजूरी, 8 लाख भारतीयों के सामने खड़ी होगी मुसीबत। पाकिस्तान के हिंदू शरणार्थियों की मदद करने पहुंचे शेखर धवन, बच्चों बूढ़ों का जीता दिल। आतंकवाद के साथ COVID-19 फैलने की भी साजिश का हुआ खुलासा, कुलगाम में मारे गए 2 आतंकी निकले कोरोना पॉजिटिव। अमेरिका से मिसाइल और लेजर गाइडेड बम से लैस ड्रोन खरीदने की तैयारी में भारत, LSC पर सेना की बढ़ेगी ताकत। मुर्गी को महिला की तरह शुरू हुई प्रसव पीड़ा, गर्भ से अंडा के बजाय बच्चा निकला बाहर। इंडियन रेलवे ने रचा इतिहास, सोलर पावर से दौड़ेगी ट्रेन, दुनिया में ऐसा करने वाला पहला देश। स्पेस में 7 सैटेलाइट का पेलोड भेजने में असफल रही रॉकेट लैब, 13वां मिशन हुआ फेल। ICMR के दावे को विज्ञान मंत्रालय ने किया खारिज, 2021 से कोरोना वैक्सीन की कोई संभावना नहीं। दुनिया का पहला सोने से बना होटल, दरवाजे से लेकर वॉशरूम तक सब कुछ है सोने का, इसके अलावा होटल के फर्नीचर और अप्लायंसेस भी सोने के। बाबा रामदेव की नई पहल, CRPF शहीदों के परिजनों को पातंजलि देगा नौकरी।